पौधे की जड़ों में गांठ पड़ जाना और धीरे धीरे पौधे का सूख के मर जाना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि आपकी मिट्टी में नीमेटोड इन्फेस्टेशन है। इन्फेस्टेशन का पता चलते ही सजेस्टेड होता है कि आप पौधे को निकाल दें, लेकिन मिट्टी को क्योर करने के लिए और बचे हुए हेल्दी प्लांट्स को बचाने के लिए हम नीम के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नीम खली। नीम खली की चाय बनानी है, आधा किलो नीम खली को 10 लीटर पानी में घोल के रखना है लगभग 2 दिनों तक। इसके बाद इस बनी हुई चाय का 1 लीटर लेके 10 लीटर पानी में घोलना है और सभी सस्पेक्टेड पौधों को देना है। इसके अलावा हम हर पौधे को एक मुट्ठी नीम खली डायरेक्टली भी दे सकते हैं। रेगुलर पानी देने की बजाय मैं नीम के पत्तों का पानी पौधों को दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने 250 लीटर के एक ड्रम में पानी भर के उसमें एक बोरा भर के नीम के पत्ते डाले हैं। 2 दिन फर्मेंट होने के बाद पानी इस्तेमाल किया है। नीमेटोड्स को हम एकदम खत्म बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन एनिमी क्रॉप जैसे कि गेंदा या सरसों उगाने से इनकी संख्या को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। कुछ और तरीके हम आगे आने वाले वीडियोज में भी जानेंगे।